Hello friends, welcome to my YouTube channel Techno Civil, your one-stop solution for every civil engineering problems. So let's start. Our subject for today is basic transportation engineering. Our today's topic is components of railway track. Hamara aaj ka topic hai components of railway track. The component parts of a permanent way or railway track are first rails, second sleepers, third ballast, fourth sub-ballast, fifth embankment. So friends, as you can see in this figure, जैसा कि हम figure में देख रहे हैं, railway के अलग अलग parts होते हैं. एक rail की जो channel होती है, जैसे कि rails होते हैं, उसके नीचे sleepers होते हैं, उसके नीचे हम ballast लगाते हैं, मतलब कि कपची कहते हैं जिसे हम, उसके नीचे sub-ballast, मतलब कि fine particles होते हैं aggregates के, उसके नीचे formation होता है जो हमने road level किया होता है, और नीचे होता है सॉइल का सब ग्रेड. या नीचे से स्टार्ट करें तो सॉइल का सब ग्रेड, फिर फॉर्मेशन, फिर बल्लास्ट, फिर स्लीपर्स और लास्ट में रेल्स. नाउ लेट अस सी फ्रेंड्स दैट ईच कंपोनेंट इज़ हैविंग व्हाट फंक्शन और व्हाट इम्पोर्टेंस. हम ये देखेंगे कि ईच जो कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट है, उसका काम क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसका फंक्शन क्या है. लेट अस टेक अवर फर्स्ट कंपोनेंट from the top is rails. So as you can see in this figure, this is a typical track structure. Now starting from rails are made of steel. They are rolled I sections. वो steel के बने होते हैं और वो I section के आकार के होते हैं, जैसे कि आप figure में देख सकते हैं. They are fixed to the sleepers by various fastening and rest on sleepers. मतलब कि वो sleepers के साथ connected होते हैं और उन्हें बोल्स और फास्टनिंग के द्वारा स्लीपर्स के साथ बांधा जाता है. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रेल्स को स्लीपर्स के साथ कैसे बांधा गया है और उन्हें बांधने के लिए टाई प्लेट्स भी लगाई गई है. लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ दिस रेल्स. हम रेल के फंक्शंस देखेंगे कि आखिर रेल्स क्यों लगाई जाती है. तो फर्स्ट है to provide a hard, smooth and continuous level surface for the movement of trains. मतलब ये rails क्यों लगाते हैं कि वो एक hard, हमको smooth और hard smooth के साथ continuous level surface, एक level surface provide करता है कि जिस पे आपकी trains घूम सकती है, फिर सकती है और movement कर सकती है without any trouble. Second है to serve as a lateral guide to the running wheels. मतलब कि इसके ऊपर जो ट्रेन मूवमेंट कर रही है, घूम रही है, उसको एक गाइड की तरह हेल्प करती है रेल्स. थर्ड इज़ दैट टू ट्रांसमिट मूविंग लोड्स टू द स्लीपर्स. हमारी जो रेल्स होती है वो स्लीपर्स के साथ कनेक्टेड होती है, जैसे हमने देखा. तो स्लीपर्स के साथ वो बोल्ट्स और फास्टनिंग के थ्रू कनेक्टेड होती है, तो वो क्या करेगी कि उसके ऊपर जो ट्रेन का लोड आ रहा है वो स्लीपर्स में ट्रांसफ़र कर देगी और ऊपर का लोड सारा स्लीपर्स में चला जाएगा, जो बाद में जाएगा बल्लास्ट और सब बल्लास्ट और लास्ट में जो आपका सॉइल है, फॉर्मेशन है, उसमें चला जाएगा और उसके बाद सबग्रेड तक पहुंचता है. तो ये थे कुछ फंक्शंस रेल्स के. नाउ लेट अस सी आवर सेकंड कंपोनेंट व्हिच आर स्लीपर्स. हमारा सेकंड कंपोनेंट है स्लीपर्स. नाउ व्हाट आर स्लीपर्स. द मेंबर्स ले ट्रांसवर्स अंडर द रेल्स for supporting and fixing them at gauge distance apart are known as sleepers. So as you can see in this figure friends, sleepers क्या होता है, वो rails के नीचे के members होते हैं जो rails से transverse direction में रखे जाते हैं, मतलब opposite direction में रखे जाते हैं exit rails के नीचे, जो rails को बांधने का काम करेगा और उन्हें एक fixed distance पे एक दूसरे से अलग रखने का काम करेगा, इसे हम गेज डिस्टेंस भी कहते हैं, वो होते हैं स्लीपर्स. नेक्स्ट वी विल सी द फंक्शंस ऑफ स्लीपर्स. हम ये देखेंगे कि स्लीपर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, आखिर स्लीपर्स किस काम में आते हैं. फर्स्ट इज़ दैट टू सपोर्ट द रेल्स फर्मली एंड इवनली. मतलब पहला क्या है कि ऊपर की जो रेल्स है उसे वो सपोर्ट करता है मजबूताई से और एक सलीके से. सेकेंड इज़ दैट टू होल्ड द रेल्स टू प्रॉपर गेज. मतलब कि रेल्स को एक फिक्स डिस्टेंस, जो हम गेज डिस्टेंस भी कहते हैं, उस डिस्टेंस पे फिक्स रखता है. थर्ड इज़ दैट
टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड कमिंग ऑन द रेल्स ओवर अ लार्ज एरिया। मतलब कि जो रेल्स पे लोड आ रहा है वो क्या करेगा, वो पहले तो वो खुद एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरे एरिया में। फोर्थ इज डेट टू एक्ट एज एन इलास्टिक मीडियम बिटवीन द रेल एंड द बल्लास्ट एंड टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन ऑफ द ट्रेन। फोर्थ पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कि वो एक इलास्टिक मीडियम की तरह एक्ट करता है रेल और बल्लास्ट के बीच में, क्योंकि ऊपर रेल है नीचे बल्लास्ट है, तो वो एक इलास्टिक मीडियम की तरह काम करेगा और ट्रेन के जो भी वाइब्रेशंस है वो खुद एब्जॉर्ब करेगा। फिफ्थ इज दैट टू मेंटेन अलाइनमेंट ऑफ द ट्रैक। मतलब ट्रैक की जो भी अलाइनमेंट रिक्वायर्ड होती है, सपोज़ कि अगर स्ट्रेट अलाइनमेंट चाहिए तो वो अलाइनमेंट स्लीपर्स मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। ये थे कुछ फंक्शंस स्लीपर्स के। आवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज बल्लास्ट। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है बल्लास्ट, जो कि स्लीपर्स के नीचे बिछाया जाता है, जिसे हम दूसरे लैंग्वेज में एग्रीगेट्स या कपची भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज बल्लास्ट? अ लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन्स 20 to 60 mm साइज, ग्रेवल, मुरम और एनी अदर ग्रीटी मटेरियल पैक्ड बिलो एंड अराउंड स्लीपर्स इज नोन एज बल्लास्ट। तो डेफिनेशन हमें ये कहती है कि हम बल्लास्ट में ब्रोकन्स मतलब टूटे हुए स्टोन्स यूज कर सकते हैं, जिनकी साइज 20 to 60 mm की होनी चाहिए, या ग्रेवल या मुरम को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब के कपची को यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा मटेरियल ग्रिटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिन्हें स्लीपर्स के नीचे रखा जाता है या उसके आसपास रखा जाता है, उसे कहते हैं बलास्ट। द बलास्ट इज़ गिवन साइड स्लोप ऑफ 1.5:1। बलास्ट को साइड स्लोप कितना दिया जाता है? 1.5:1। नॉर्मली द बलास्ट मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ग्रेनाइट, ट्रैप, कॉटाइज, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। जनरली बलास्ट के तौर पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? ग्रेनाइट, ट्रैप, कॉटजाइट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बलास्ट। हम बलास्ट के फंक्शंस देखते हैं तो फर्स्ट है टू प्रोवाइड हार्ड एंड लेवल बेस फॉर द स्लीपर्स टू रेस्ट ऑन। मतलब कि वो स्लीपर्स को एक हार्ड और अच्छे से लेवल बेड या बेस प्रोवाइड करता है जिसपे वो रेस्ट कर सकते हैं। सेकंड इज टू होल्ड द स्लीपर्स इन प्लेस ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ ट्रेन्स। मतलब जब ट्रेन्स पास हो रही होती है रेल्स पे से, तो रेल्स के नीचे क्या होता है? स्लीपर्स होते हैं, और स्लीपर्स को कौन पकड़ के रखता है एक प्लेस पे या एक पोजीशन पे? वो होते हैं बलास्ट। थर्ड इज टू ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम द स्लीपर्स टू द फॉर्मेशन। मतलब कि स्लीपर्स का जो लोड बलास्ट अपने पे ले रहा है वो बाद में कहाँ ट्रांसमिट कर देगा? वो फॉर्मेशन में ट्रांसमिट कर देगा। मतलब उसके नीचे जो हमने फॉर्मेशन बनाया है, जो सॉइल से जो लेवल या कटिंग या फीलिंग करके जो फॉर्मेशन बनाया है वहाँ पे ट्रांसमिट कर देगा। नेक्स्ट इज दैट टू ड्रेन द रेन वाटर क्विकली। मतलब बलास्ट जो है वो रेन वाटर को भी टिकने नहीं देता है, वो एक ऐसा, इसीलिए हम लोग बलास्ट यूज़ करते हैं ताकि जो बारिश का पानी है उस पर ठहरा हुआ ना रहे और वो आसानी से बह जाए। फिफ्थ इज दैट टू इम्पोर्ट सम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी टू द ट्रैक। वो ट्रैक को भी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से बलास्ट को स्लीपर्स के नीचे और उसके आसपास बिछाया गया हुआ है। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है सब बल्लास्ट। नाउ व्हाट इज सब बल्लास्ट? अ लेयर ऑफ मुरम, ग्रेवल और स्मॉल एग्रीगेट्स इज प्रोवाइडेड बिटवीन द बल्लास्ट एंड द अर्थ एम्बेकमेंट टू ड्रेन ऑफ द वाटर इमीजिएटली। इट इज़ कॉल्ड सब बल्लास्ट। सब बल्लास्ट मतलब कि एक ऐसा लेयर जो बल्लास्ट और एम्बेकमेंट के बीच में प्रोवाइड किया जाता है, फिर चाहे वो मुरम का हो, चाहे ग्रेवल का हो मतलब कि कपची का हो, या फिर स्मॉल एग्रीगेट्स का हो। किस लिए? ताकि सारा जो बारिश का पानी है वो हम लोग आसानी से ड्रेन कर सके, वहाँ से निकाल सके, इसलिए इमीजिएटली एकदम तुरंत हम लोग पानी को निकाल सके, इसलिए उसको कहते हैं सब बल्लास्ट। नहीं तो अगर पानी वहाँ रुका रह जाता है और ट्रैक्स पे भर जाता है तो हमें पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, जैसे कि हमको
ट्रेन्स को भी स्टॉप करना पड़ सकता है। लेट अस सी योर नेक्स्ट कंपोनेंट। अवर नेक्स्ट कंपोनेंट इज दैट एम्बैकमेंट। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है एम्बैकमेंट। तो आइए जानते हैं। एम्बैकमेंट इज ऑल्सो नोन एज द फॉर्मेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई लेवलिंग द ग्राउंड एंड नेसेसरी कटिंग और फिलिंग। फ्रेंड्स, एम्बैकमेंट को हम फॉर्मेशन भी कहते हैं। वो कौन सा हिस्सा होता है? बलास्ट के नीचे का पार्ट होता है। और वो कैसे फॉर्म होता है कि ग्राउंड को पहले लेवल किया जाता है, चाहे फिर उसमें हमें सैंड फिलिंग करना पड़े या उसमें से निकालना पड़े, मतलब कटिंग करना पड़े, तो उसे फॉर्मेशन या एम्बैकमेंट कहा जाता है। जिसके ऊपर हम लोग बलास्ट ले करते हैं, हमारी कपची ले करते हैं, उसके बाद स्लीपर आते हैं और उसके बाद रेल्स आते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। एम्बैकमेंट इज़ प्रोवाइडेड साइड स्लोप्स ऑफ 1:2। तो फ्रेंड्स, एम्बैकमेंट का साइड स्लोप कितना रखा जाता है? 1:2 रखा जाता है। किस लिए? ताकि वहाँ पे पानी बारिश का टीका ना रहे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग सीक्वेंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे नीचे आता है सॉइल का सबग्रेड पार्ट, उसके बाद आता है फॉर्मेशन या एम्बैकमेंट, उसके ऊपर बलास्ट या कपची, उसके बाद स्लीपर्स, और उस सबके टॉप पे आते हैं रेल्स जिसपे गाड़ियाँ चलती है। होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।